हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड फ्रेंड मैं गौरव आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल द ज्ञानी स्टॉक मार्केट में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कल के लेवल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे इंट्राडे के लिए वो देख लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें और जो भी हम अपडेट डालते हैं स्टॉक और लेवल से रिलेटेड आप तक पहुँचते रहेंगे, तो आप अकॉर्डिंग टू मार्केट से पैसा बनाते रहेंगे। सो फ्रेंड, आज अगर हम बात करें निफ्टी फिफ्टी की, और जिस हिसाब से कामकाज कर रहा था निफ्टी फिफ्टी, एक दायरे में फंस के कामकाज कर रहा था, और 2-2.5 बजे के बाद आपने काफ़ी अच्छे मूव देखे भी होंगे और कवर भी किए होंगे मेरे हिसाब से जो मैंने लेवल दिए थे। सो ये मूव आए क्यों? अगर आपने इंडेक्स देखा होगा तो अडानी ग्रीन और अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर 9-9, 10-10% के मूव देखने को मिले, और जहाँ तक है उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला निफ्टी फिफ्टी के ऊपर, जो इसको 19,916 की रेंज में लेके चला गया। यानी कि हाई देखोगे तो तकरीबन यही बना है। सो ठीक ठाक है, ठीक है, जो मूव आया अडानी में, जो भी मूव आया जिसके कारण फिर निफ्टी में मूव आया, ठीक है। अगर ये मूव रियल है तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करूं, अगर ये मूव रियल है तो इसको ये फर्दर मूव दिखा सकते हैं कहाँ के लिए? 21,000 के लेवल के लिए। अगर निफ्टी फिफ्टी सस्टेन करता है किसके ऊपर, अगर ये क्लोजिंग देना चालू कर देना किसके ऊपर, 19,900 के ऊपर, तो ये फर्दर मूव करेगा कहाँ तक के लिए? अपना ऑल टाइम हाई यानी कि 20,200 की तरफ, और फिर इसके ऊपर टिका या यहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया फिर ये मूव करना चालू कर देगा कहाँ तक के लिए? 21,000 के लिए। तो वेट करना है आपको, एक बार 19,900 के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करेगा तो डेफिनेटली फिर ये मूव करेगा 20,000, और फिर ऑल टाइम हाई 20,200, और एक हल्का सा रिट्रेसमेंट बनता है, और वहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर ये जाएगा 21,000 की तरफ। अगर इसको ये इनवैलिड होना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको नीचे आना पड़ेगा किसके, 19,600 के नीचे। अगर ये 19,600 के नीचे आता है तो डेफिनेटली फिर फॉल कर सकता है कहाँ के लिए, 17,000 के लेवल की तरफ। तो ध्यान रखना है, वैसे तो क्लोजिंग आज की काफ़ी अच्छी है तो लग भी रहा है कि इसको ऊपर जाना चाहिए, पर ये रियल मूव, अगर ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, अगर आज का जो ब्रेकआउट हुआ है अगर ये रियल नहीं हुआ तो फिर ये फॉल कर सकता है नीचे की तरफ भी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये रियल है तो डेफिनेटली फिर इसको 19,900 के ऊपर जाएगा, और क्लोजिंग ऊपर रही तो डेफिनेटली ये फर्दर मूव करेगा 21,000 के लिए। तो ये लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंट्राडे की, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे यानी कल किस तरीके का मार्केट देखने को मिल सकता है। और देखो, मैंने फ्राइडे के दिन ये डिस्कशन किया था 19,830 का लेवल, ठीक है, 19,830 का लेवल बहुत स्ट्रांग था, और कंटिन्यूसली इसी के आसपास पूरा दिन इसने बिता दिया। मतलब कि एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लिए इतनी प्रॉब्लम है इस मार्केट में पैसा कमा पाना, डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम में डाल सकता है उसको। हाँ, अगर आपका बहुत अच्छा पेशेंस है, अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आपको ये पता चल चुका है ना 19,830 निकाल रहा है ऊपर और ना ही 19,800 के नीचे जा रहा है ये, तो फिर आप वेट करो। जिस साइड भी निकलेगा, चाहे ये नीचे निकले चाहे ऊपर निकलेगा, फिर आप मूव पकड़ोगे फर्दर। यानी कि आपको वेट करना था एक इस तरीके की चीज़ों का, यानी कि जो कैंडल बनी है ना, इन कैंडल का वेट करना था। जैसे ही ये कैंडल बनना चालू हो गई थी, आप अपनी इन कैंडल के आसपास से अपनी एक कॉल लेते, ये अपने एस एल लगा देते, या तो आपका एस एल ही हिट होगा या आप अपने टारगेट की तरफ चलोगे। जो आपको मैंने टारगेट दिया था ना 19,870 का एक टारगेट मैंने पहले दिया था, फिर 19,900 का मैंने टारगेट दिया था, तो बस आप फिर इसकी तरफ जाएगा, अदरवाइज फिर एस एल हिट होगा। तो अच्छा खासा मूव मिला है, एंड मोमेंट पे आया है, पर आया तो है, अगर आपका पेशेंस सही रहा होगा डेफिनेटली आपने मूव पकड़ा होगा, नहीं तो फिर मिस किया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें सीखते जाओगे तो आप आने वाले समय में डेफिनेटली ऐसे मूव पकड़ लोगे आप, ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखना है कल के लिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे? देखो उनको लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हैं। यानी कि मैं बात करूं अपसाइड की, कॉल साइड की, देखो कल क्या ध्यान रखना है आपको। अगर निफ्टी फिफ्टी निकलता है किसके ऊपर, सस्टेन करता है 19,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है ना, तो ही आपको ऊपर का व्यू लेके आना है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम ऊपर का व्यू लेके आएंगे। इसमें हमारा पहला टारगेट जो रहेगा 19,952, और फिर 19 नहीं फिर 19,952 के पास 20,000 ले लो सीधा, फिर आप फिर 20,000 की तरफ मार्केट जब मूव करता हुआ दिखेगा। अगर ये 19,952 के ऊपर टिक गया तो फिर ये आपको 20,000 की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा, ये अपसाइड रहने वाला है। और वहीं अगर बात करूँ डाउन साइड की, तो डाउन साइड आपको क्या ध्यान रखना है, यानी कि पुट साइड आपको क्या ध्यान रखना है, अगर निफ्टी फिफ्टी को फॉल करना है तो उसको जाना पड़ेगा, पहला मूव देना पड़ेगा आपको 19,865 के नीचे, अगर टिकना चालू करता है, यानी कि इस लेवल के नीचे टिकना चालू कर देता है, तभी आपको नीचे का व्यू लेके आना है। पहला टारगेट क्या रहेगा इसमें, 19,830, फिर 19,800। रियल फॉल कहाँ पे है, 19,800 के नीचे रियल फॉल है।
ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ओवर डाटा पे भी, रियल फॉल 19800 के नीचे है तब तक रियल फॉल नहीं मिलने वाला, मतलब रियल फॉल सेंस कहने का जहाँ पे आपको 50, 60, 70 पॉइंट का एक रियल फॉल दिख सकता है वो 19800 के नीचे आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर कल किसी कारणवश गैप डाउन आ जाए, अगर एक बड़ा गैप डाउन आ जाए और वो गैप डाउन कहाँ पे आ जाए, 19800 की रेंज में आ जाए, तो आपको वेट करना है, इस रेंज में वेट करना है कब तक, 30 मिनट। अगर इसके ऊपर टाइम बिता रहा है तो फिर आपको फर्दर कॉल लेके चलनी है, पुट मत ले लेना। हाँ, अगर कंटिन्यूसली 19800 के नीचे ही फॉल कर रहा है तो ही आपको पुट के लिए सोचना है, अदरवाइज फिर आपको कॉल लेके चलनी है अगर बड़ा गैप डाउन आ जाए तो। वहीं अगर बड़ा अगर गैप अप आ जाए, उन 20,000 की तरफ गैप अप आ जाए, मान के चलो अगर मार्केट 20,000 की तरफ खुल गया, निफ्टी 20,000 की तरफ खुल गया, तो आपको कॉल नहीं लेनी है, वेट करना है 30 मिनट 25 मिनट, देखना है कि 20,000 की तरफ कैसे काम कर रहा है। अगर कंटिन्यूसली हडल फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो आपको वहां से पुट लेके चलने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि कल पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, क्या पता कल गैप अप गैप डाउन देखने को मिल जाए, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें ओवर डाटा दिखाऊं, देखो आज की हमारी एवरेज क्लोजिंग तकरीबन 19,890 के आसपास आई है, तो 19,900 पे अगर आप देखोगे ना, 1,48,000 के आसपास, और 20,000 पे देख लो 2,00,000। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर बड़ा गैप अप आ जाता है ना, तो 20,000 के आसपास आते ही आप कोई कॉल लेने मत चले जाना, पहले देख लेना 20,000 का क्या हो रहा है, 20,000 कंप्लीटली रेजिस्टेंस फेस करा जा रहा है तो फिर वहां से फॉल करने के चांसेस हो सकते हैं। अगर 20,000 के ऊपर निकल रहा है, सस्टेन कर रहा है 20,000 के ऊपर, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज फिर वहां से क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जो फर्दर फॉल करता हो नीचे की तरफ आएगा, तो इसलिए वेट करना है आपको 20,000 की तरफ। और वहीं देखो पुट साइड देखोगे, देखो पुट साइड देखोगे तो 19,900 की तरफ देखोगे तो 1,47,000 के पास आज भी यहाँ पे पुट राइट है, अच्छी खासी मात्रा में पुट राइट है। और सबसे बड़ा नंबर देखो 19,800 पे 3,00,000 का, तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर कोई बड़ा गैप डाउन आ जाए, तो 19,800 के आसपास कोई गैप डाउन आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, तो फिर वापस से मूव कर सकता है ऊपर के लिए। तो इसलिए आपको 19,800 के आसपास वेट करना है, कोई पुट मत ले लेना इमीडिएट जाके, वो ध्यान रखना आपको, काफ़ी बड़ा नंबर है और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे ओआई चेंज भी हुआ है, देख सकते हो 1,50,000 के आसपास ओआई चेंज है, यानी कि 19,800 के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने पुट राइट करके गए हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। वहीं पे 20,000 पे लोगों ने पुट राइड की है, उतना बड़ा नंबर तो नहीं है जितना 19,800 पुट साइड है, पर हाँ 20,000 पे 2,00,000 के आसपास है और 50,000 के आसपास आज भी इसमें ओआई चेंज हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 20,000 की तरफ मार्केट जाता है तो वहाँ पर वेट करना है आपको, अगर 19,800 पे आता है तो वहाँ पर वेट करना है, ये आपको देख के चलना है कल के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें बैंक निफ्टी की, देखो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट रखा गया, उन्होंने कोई बड़े मूव होने नहीं दिए इसके अंदर, ठीक है जमा के रखा हुआ है, क्लोजिंग ठीक ठाक है, मतलब दे दी उन्होंने ऊपर क्लोजिंग, पर जाने नहीं दे रहे हैं वो, किस कोई कुछ ना कुछ रोक रहे हैं, तो रियल मूव क्या होने वाले बैंक निफ्टी के अंदर, आपको वो क्या ध्यान रखने हैं। देखो अगर मैं इसमें बात करूं अपसाइड की, बैंक निफ्टी केयरफुल होकर प्ले करना है आपको, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल जोन में खड़ा हुआ है। तो देखो बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखना है, 43,960 का लेवल ही आपको ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कंटिन्यूसली, तो फर्दर मूव आपको 44,100 तक मिलने वाला है, यानी कि रियल मूव जो है ना इनके ऊपर ही है। अगर ये जितना टाइम तक टिकेगा 44,100 के ऊपर, तो समझ के चलो बिग मूव है, इसके बाद अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना चालू कर देना, जहाँ तक कैप्चर हो होने देना, क्योंकि इसी के बाद आपको रियल मूव दिखने वाले हैं 200 250 300 पॉइंट के, तो आप अकॉर्डिंग टू अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अपना प्रॉफिट बना सकते हो। अगर इसको ऊपर जाना ही है तो 43,960 के ऊपर टिकने देना, 43,100 तक आप वेट करना, 43,100 के ऊपर टिक गया तो समझ लीजिए फिर रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसको ऊपर काफ़ी अच्छा खींच के ले सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है 43,100 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर। अगर वहीं मैं बात करूँ डाउन साइड बैंक निफ्टी की, तो देखो पुट साइड आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ये बैंक निफ्टी फॉल करता है 43,800 के नीचे, ठीक है रियल मूव 43,800 के नीचे ही है, उससे पहले कुछ नहीं होगा, रियल मूव भी नहीं है, छोटा ही मूव है 43,700 का, ठीक है ना। इमीडिएट इमीडिएट जो सपोर्ट बनने वाला है 43,700 का बनने वाला है, यानी कि इस रेंज में ये सपोर्ट ले सकता है, रुक सकता है, ठीक है। अगर फॉल नहीं किया तो इसी में टिक जाएगा, अदरवाइज अगर ये यहाँ से निकला 700 के नीचे निकला, तो रियल फिर मिल सकता है आपको कहाँ तक के लिए, 43,550 के लिए फिर ये फॉल कर सकता है, यानी कि ये जो रेंज है ना आपको दिख रही है, इस रेंज के आसपास जो है फिर बैंक निफ्टी आता हुआ दिख जाएगा। तो कल ध्यान रखना है अगर कोई बड़ा गैप अप आ जाता है, तो 43,100 के पास देखना कैसा मूव, अगर 43,100 के आसपास गैप अप आ रहा है तो देख लेना, कंटिन्यूसली हडल फेस कर रहा है तो पुट लेके चलना है, फिर आप मत ले लेना कॉल, यानी कि 20 मिनट 30 मिनट कंटिन्यूसली 43,100 के पास हडल फेस कर रहा है तो पुट लेके चलना है आपको, कॉल मत ले लेना। हाँ अगर 43,100 के ऊपर टिक रहा है
तो कंटिन्यूसली ऊपर टिक रहा है, तो फिर आपको कॉल के लिए सोचना है, देख लेना एक बार कैसे काम कर रहा है। उसी प्रकार अगर 43,800 या 43,700 के आसपास खुल रहा है मार्केट, तो फिर आपको वेट करना है किस तरह के सपोर्ट कर रहा है। 43,700-800 अगर सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं तो फिर ये फॉल कर सकते हैं 43,500 की तरफ, ठीक है। तो ये लेवल आपको ध्यान रखने हैं निफ्टी बैंक के अंदर। अगर मैं इसके ओए डाटा की बात करूँ, देखो ओए डाटा में क्या दिखेगा, आज की हमारी एवरेज क्लोजिंग दिखेगी 43,880 के आसपास। तो 43,900 पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, 43,900 पे 1,00,000 के आसपास कॉल राइट आज भी है। 44,000 पे देखोगे 2,64,000, और 44,100 पे देखोगे 1,00,000 के आसपास ठीक ठाक, मतलब कि अभी भी जम के कॉल राइट करने वाले हटे नहीं है। मतलब कि आप सभी में ओआई चेंज देखोगे तो पॉजिटिव ओआई चेंज है, मतलब हर किसी पॉजिटिव ओआई चेंज है। और इनकी जो एक्सपायरी की बात करूँ तो सेम एक्सपायरी बनेगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी सेम ही होती है, तो सेम एक्सपायरी देखने को मिलेगी। और अच्छे खासे प्रीमियम है अभी भी यहाँ पे, तो कोशिश इनकी यही रहेगी कि 44,000 के नीचे रखा जाए मार्केट किसी भी हालत में, और जितने भी प्रीमियम इनको तोड़ के रखा जाए, जितने प्रीमियम इनको तोड़ के रखा जाए, यानी कि जीरो करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छे खासे नंबर हैं, और ये देखो ये मैं एक भी नहीं बात कर रहा हूँ, ये हर किसी भी आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भरपूर मात्रा में कॉल राइट है, और 1,00,000 के ऊपर यहाँ पे कॉल राइट की गई है, तो नंबर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो जल्दी नहीं निकलने देंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अगर इस लेवल के ऊपर टिक गया ना, तो फिर इन सब की बैंड बच जाएगी, इन सबको हटना पड़ेगा, तो वही शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी ऊपर के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूँ डाउन साइड पे, यानी कि पुट साइड बात करूँ, तो देखो 44,43,900 पे देखोगे तो 1,21,000, 43,800 पे 2,27,000, 43,700 पे 1,83,000, और सबसे बड़ा नंबर आपको दिखेगा 43,500 पे 2,00,000 का। तो देखो अभी भी भर भर के कॉल राइट हैं, पुट राइट कॉल राइट भर भर के हैं, तो जिस साइड भी निकलना चालू करा, यानी कि एक पर्टिकुलर मूव कहाँ से मिलेगा आपको, वो तो पर्टिकुलर मूव कहाँ से होगा, 43,700 के नीचे पर्टिकुलर मूव होगा 43,500 तक के लिए। अगर 43,500 भी खसक गया तो फिर बड़े बड़े मूव की तैयारी कर सकता है। तो 43,700 के नीचे टिक गया तो आपको बड़े मूव होंगे, वही 44,100 के ऊपर टिक गया तो बड़े मूव ऊपर की साइड होंगे। तो इसलिए आपको वेट करना है, जिस साइड भी निकलेगा मूव कर सकते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी अब आ रही है, तो डेफिनेटली मूव की तैयारी करेंगे, जहाँ पे आपको 800 से 1,000 पॉइंट तक के मूव दिख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो पेशेंस बना के रखना, और जिस साइड भी निकल रहा है तो आपको अच्छे खासे मूव की तैयारी करता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी, तो अकॉर्डिंग टू फिर प्ले करके चलना है आपको, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लर्न करें, सीखते रहेंगे। तो ये हमेशा बोलता हूँ, सीखते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर, मतलब जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो सिर्फ ऑप्शन बायर बने रहोगे तो मुश्किल रहेगा, डेफिनेटली मुश्किल रहेगा, हर एक दिन चैलेंजेस होंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर बन जाते हो ना, तो डेफिनेटली फिर आपको लॉस के कम चांसेस होंगे, फिर प्रॉफिट आपका उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो अपने आप को ऑप्शन सेलर बनाने की, तो आप मार्केट डेफिनेटली पैसा कमाते हुए निकलोगे, ठीक है। तो अगर आपको लेवल ठीक लग रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर दें, रिप्लाई मिल जाएगा, और अगर कोई वीडियो बनानी होगी उस पर बना देंगे, ताकि आपको सब चीज़ों को समझाते हुए आप जो है स्टॉक मार्केट सीखते हुए अपने अकॉर्डिंग टू अर्निंग कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।